हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भवन्या क्रिएशन में। जैसे कि आप जानते हैं, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं स्टाइलिंग टिप्स, सजेशंस, आउटफिट आइडियाज एंड मेनी मोर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप अपनी साड़ियों को रीयूज करके डिजाइनर ड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे आइडियाज दूंगी कि कैसे आप अपनी नेट की साड़ी, बॉर्डर वाली या कोई भी पुरानी साड़ी, प्लेन साड़ी, सभी को यूज करके अच्छे से अच्छी ड्रेस कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा बेनिफिट निकले आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा पहला आउटफिट जो कि मैंने नेट की ग्रीन साड़ी में से बनवाया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बनवाया है मैंने इसे। मैंने अपनी साड़ी का यूज़ करवा के इस तरीके से सर्कुलर प्लाजो बनवाया है। मेरी साड़ी ग्रीन कलर की थी और नेट की थी, तो उसका यूज़ करके इस तरीके से मैंने सर्कुलर प्लाजो बनवाया है। सर्कुलर प्लाजो लाइक ये बहुत अच्छा घेर देता है आपको, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो नेट की साड़ी से आप चाहो तो सर्कुलर प्लाजो भी बनवा सकते हो या फिर स्कर्ट भी बनवा सकते हो, उनके जो घेर आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये बना है। साड़ी के अंदर जो लेस थी वो मैंने इस तरीके से नीचे प्लाजो के बॉटम एरिया में यूज़ करवा ली है, उसी से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। मेरी साड़ी में काफ़ी सारे पैचेस थे तो उन पैचेस को भी मैंने यूज़ करवा लिया है ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। नेट की जो साड़ियाँ होती हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं और पतली होती हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसके नीचे कुछ ना कुछ ऐड करवाएं, तो मैंने फैब्रिक ऐड करवाया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी फैब्रिक, जो भी आप कपड़ा नीचे ऐड करवाते हो उसी कपड़े का यूज़ करते हुए आपको अपनी ऊपर के लिए जो कुर्ती या फिर आप सूट जो भी आप बनवाना चाहते हो उसी फैब्रिक से होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों फैब्रिक सेम होते हैं तो ये बहुत मिलकर बहुत अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो बॉटम एरिया आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मैं दिखाती हूँ उसकी कुर्ती जिसे मैंने पूरा प्लेन बनवाया है। उसके पीछे रीज़न ये है, साड़ी से ड्रेसेस तो सबको पता है कि बहुत आसानी से ड्रेसेस बनती है, सूट गाउन आप सब बनवा सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ना बैलेंस करके पहनो। अगर आप एक ही साड़ी का यूज़ करवा के अपना पूरा आउटफिट बनवा लोगे, अपनी कुर्ती भी उसी में, अपना दुपट्टा भी उसी का हो जाएगा या फिर आपका जो प्लाजो है वो भी उसी का हो जाएगा, तो फिर थोड़ा चेंज कैसे होगा? वो तो सेम ही लगेगा कि आपकी साड़ी है उससे आपने बनवा लिया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अपना कुछ ज़रूर ऐड करें, मिक्स एंड मैच ज़रूर करें, उससे बहुत अच्छा लुक आपको मिल जाता है। सो मैंने इसी से मिक्स करते हुए जो मैंने प्लाजो में नीचे कपड़ा ऐड करवाया था उसी से मैंने इस तरीके की पैपलम कुर्ती बनवा ली है। पैपलम लाइक ऊपर से चोली स्टाइल होता है इस तरीके से, और नीचे से इसमें अच्छा खासा घेर होता है। अब ये तो आपको पता ही कि पैपलम कुर्ती जो होती है पतली लड़कियां हैं उन पे तो सभी अच्छा लगता है, लेकिन एक बेनिफिट ये हो जाता है पैपलम कुर्तीज का कि अगर आप थोड़े से चबी हो या आपका पेट थोड़ा सा है तो उसको कवर अप करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आपका जो पूरा आउटफिट होता है वो तो इससे अच्छा लगता ही है, एंड साथ में आपके चबी एरिया को भी कवर अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली आपके टमी एरिया को। तो ये देख सकते हो इस तरह की प्लेन कुर्ती मैंने बनवाई है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करवाया, ना कोई लेस या फिर साड़ी का जो भी पार्ट था वो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करवाया, पूरा प्लेन है ये। मेरे पास कुछ साड़ी का बचा हुआ था पार्ट, जैसे कि उसका जो पल्लू एरिया था वो सबसे ज़्यादा हैवी था, उसी में सबसे ज़्यादा पैचेस थे, तो उसके पल्लू वाले एरिया को अच्छे से पूरा कट करके मैंने इस तरीके से सेपरेट दुपट्टा बना लिया है। सिंपली कुछ नहीं करना, जो पल्लू का पार्ट होता है उसे आप कट कर दीजिए, आपका दुपट्टा तैयार हो जाएगा इस तरीके से। चलिए मैं दिखाती हूँ इसका पिक्चर्स में लुक कैसे आने वाला है आफ्टर वेयरिंग, कैसा दिखाई देगा।
ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस जिसे मैंने बनवाया है हैवी बॉर्डर वाली जॉर्जेट की साड़ी में से। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इसे किस तरीके से बनवाया है। साड़ी का यूज़ करवा के मैंने बनवाया है इस तरीके से हैवी प्लाजो, वाइट प्लाजो, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये नीचे से कम चौड़ा है काफ़ी। तो साड़ी का जो बॉर्डर था उसे मैंने इस तरीके से यहाँ पर नीचे बॉटम एरिया में प्लाजो के ना ऐड करवा लिया है। इससे क्या हो जाता है, आपका प्लाजो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और जो बॉर्डर होगा ना उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप सूट में यूज़ करवाओगे ना तो थोड़ा सा कॉमन लगेगा। तो कोशिश कीजिए आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से यूज़ करवाएं, जैसे कि मैंने ये करवाया है तो आप बॉर्डर का यूज़ करवा सकते हो अगर आपके पास कोई साड़ी है तो। और जब आप कोई जॉर्जेट का यूज़ करके बनवाते हो ना कोई चीज़, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करवाएं। जैसे कि मैंने इसमें नीचे यहाँ पर ना अस्तर ऐड करवाया, आप चाहो तो इसमें फैब्रिक भी ऐड करवा सकते हो। तो ये तो है मेरा प्लाजो, देख सकते हैं आप, ये देखिए काफ़ी हैवी है और अच्छा लग रहा है ये। तो इसी से कंट्रास्ट करते हुए मैंने सेम कलर नहीं पिक किया, मैंने इसी से कंट्रास्ट करते हुए कॉपर कलर का प्लेन कुर्ता बनवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे सिंपल सा मैंने एक प्लेन कुर्ता बनवा लिया है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बॉर्डर साड़ी का मैंने कोई एरिया यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल सा प्लेन कुर्ता इस तरीके से बनवा लिया है। सी देखो बिल्कुल सिंपल है इस तरीके से। तो प्लाजो मेरा हो गया, यह है कुर्ती। अब जो साड़ी में से थोड़ा बहुत फैब्रिक बचा हुआ था ना उसी को कट करके मैंने अपना दुपट्टा बना लिया है इस तरीके से, ये देखिए। बॉर्डर एक्चुअली मेरे पास काफ़ी बचा हुआ था साड़ी का, बट मैंने कोशिश ये कि मैं अपने लुक को बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने दुपट्टे के अंदर, आप देख रहे होगे ना इसमें कोई बॉर्डर नहीं लगाया मैंने, तो मैंने दुपट्टे के अंदर ना कोई बॉर्डर ऐड नहीं करवाया। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो लुक है ना वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। सी होता क्या है, हर चीज़ के पीछे ना एक सेंस होना चाहिए। तो जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसके पीछे भी एक सेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हो ना तो वो लुक बैलेंस नहीं होता और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने प्लाजो बनवा लिया है, उसमें नीचे बॉर्डर ऐड हो गया है, इस तरीके से मैंने कुर्ती बनवा ली है जो कि प्लेन है, और ये है मेरा दुपट्टा जो साड़ी जॉर्जेट की साड़ी में से मुझे लेफ्ट ओवर था फैब्रिक, उससे मैंने दुपट्टा कट करके इस तरीके से बना लिया है और बॉर्डर इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप पिक्चर्स में देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। सो अब ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस। तो अब मैं इसे दिखाती हूँ मैंने कैसी साड़ी में से इसको बनवाया है। मैंने इसे बनवाया है नेट की साड़ी में से, जो कि जिसमें काफ़ी हैवी हैवी पैचेस थे और जो उसका नेट था काफ़ी लाइट वेट था। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके का पैंट बनवाया है, इस साड़ी के अंदर से इस तरीके का पैंट बनवाया है, आप देख सकते हो। जब भी आप कोई आउटफिट बनवाते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन ना आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव चूज़ करना होता है। अब कॉमन सी बात है, जो कलर्स आपकी साड़ी के अंदर हैं उन्हें तो आप कॉन्ट्रास्ट कर ही सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से ना अट्रैक्टिव लगो और थोड़े से डिफरेंट दिखाई दो, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है। आपका जो भी कलर हो, आपको उसका जो आप कॉम्बिनेशन करने वाले हैं ना, उससे आप डार्क शेड पिक कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये तो मेरा प्लाजो है, मेरी साड़ी नेट की थी पिंक कलर की, तो उसका यूज़ करके ना मैंने इस तरीके से पैंट बनवा लिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके नीचे ना मैंने फैब्रिक का यूज़ करवाया है, इसके नीचे मैंने फैब्रिक का यूज़ करवाया है, अस्तर का यूज़ नहीं करवाया। अस्तर जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, और ये पैंट है तो ज़रूरी है इसमें फिनिशिंग आए, तो आप इसलिए फैब्रिक का यूज़ करवाइएगा। मैंने नेट के अपने इस पैंट के नीचे इसके बॉटम एरिया में मेरी साड़ी के अंदर ना बहुत हैवी हैवी पैचेस थे। साड़ी का जो पल्लू होता है वही सबसे हैवी पार्ट होता है, तो उसके अंदर बहुत हैवी हैवी पैचेस थे। उसमें से पैचेस निकलवा के मैंने इस तरीके से नीचे अपने पैंट में बॉटम एरिया में ऐड करवा लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो आप, और यही इसको एक डिज़ाइनर लुक भी देगा। और इस पतला सा बॉर्डर था वो मैंने ऐड करवा लिया, बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर नहीं था मेरी साड़ी में, तो सिंपल सा बॉर्डर था और इस तरीके के पैचेस थे, तो मैंने पैंट में इन्हें ऐड करवा लिया है।
तो इसलिए जो पैंट का बॉटम एरिया है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर वेयरिंग आप देखिएगा, मैं पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लग रहा था ये। ये देखिए और पास है। सो मैं दिखाती हूँ कि इसके ऊपर मैंने कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट किया है। ये बहुत लाइट पिंक कलर था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसी की डार्क शेड, पिंक की डार्क शेड को लिया है और इस तरीके से शॉर्ट फ्लेयर्ड कुर्ती बनवाई है। कुर्ती सिंपल है, ज्यादा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करवाया है, आप देख सकते हो। ये देखिए इस तरीके की कुर्ती बनवाई है मैंने, प्लेट्स वाली है, इससे काफी अच्छी फिटिंग आती है। मैंने अपने सूट के अंदर ना यहाँ पर राइट साइड पर एक कट लगवाया है। कट से क्या हो जाता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं रहेगा आपका सूट, एंड इससे ना आपके सूट को स्टाइलिश लुक मिलेगा और आप और ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप एक छोटा सा सजेशन माने तो आप अपने सूट में पीछे इस तरह से चैन ऐड करवा सकते हो। चैन से क्या होता है, आपके सूट की जो फिटिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, तो आप चाहें तो अपने सूट में चैन भी ऐड करवा सकते हैं। हमारी ड्रेसेस के लिए कलर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आपकी साड़ी है या जो भी आप आउटफिट बनाने वाले हैं ना, बहुत ज़रूरी है कि आप कलर कॉम्बिनेशन सोच समझ कर लें, अदरवाइज़ वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपके ड्रेसेस और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डार्क और लाइट शेड को पिक किया है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टे को मैंने क्या किया है, जो मेरी साड़ी का पल्ला था उस पूरे पल्ले को कट करके मैंने अपना ये सिंपल सा दुपट्टा बना लिया है, सिंपली। और ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, जो इसका पल्ला एरिया होता है ना उसको कट कर दीजिए, आपका दुपट्टा रेडी हो जाएगा। बट कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो साड़ी का जो पल्लू होता है ना वो छोटा होता है, तो उस वजह से दुपट्टा भी छोटा बनता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपकी साड़ी के अंदर से जो भी फैब्रिक बचा हुआ है, आप उससे अपने दुपट्टे के दोनों तरफ इस तरीके से ना फ्रिल ऐड करवाए हैं, तो उससे क्या होगा, आपका दुपट्टा थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगेगा और आपके दुपट्टे की ना लेंथ भी बढ़ जाएगी। ये काफी अच्छा सॉल्यूशन होता है आपके दुपट्टे को बड़ा बनाने के लिए, सी, और काफी अच्छा भी लगता है इससे। ये देखिए इसका दुपट्टा है, काफी अच्छा लग रहा है। सो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि पिक्चर्स में इसका आफ्टर वेयरिंग लुक कैसे आने वाला है। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ अपनी आपको नेक्स्ट ड्रेस। सो ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस। सो अब इसके बारे में बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनवाया है। मैंने इसे बनवाया है रेड प्लेन साड़ी में से, मेरे पास प्लेन साड़ी थी रेड कलर की, उसमें से मैंने इसको बनवाया है। तो मेरी जो ये साड़ी थी ना ये पूरी प्लेन थी और जॉर्जेट की थी, तो जॉर्जेट जो होती है ना वो स्कर्ट प्लाजो इनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होती है। तो अगर आपके पास भी कोई प्लेन साड़ी है ना, प्लीज मानिए गाइस, आपके पास अभी घर में इस टाइम पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाने का बहुत अच्छा मौका है। पर्सनली प्लेन चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, तो ये प्लेन साड़ी थी तो इसकी ड्रेस तो मुझे बहुत ही पसंद आई। प्लेन चीज़ों की जो आउटफिट बनते हैं ना वो बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनते हैं। तो मेरी साड़ी रेड कलर की पूरी प्लेन थी और जॉर्जेट की थी, तो मैंने उसका यूज़ करवा के इस तरीके से सर्कुलर प्लाजो बनवाया है। सर्कुलर लाइक मतलब इसमें बहुत अच्छा खासा घेर है और जब आप इसको वेयर करेंगे ना तो ये आपको प्रॉपर लहंगे का लुक देगा। तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करवाया, ना कोई गोटा ना कोई लेस, कुछ भी मैंने ऐड नहीं करवाया है। मेरा पर्पस ये था कि मैं इसको पूरा प्लेन रखूँ। तो ये इस तरीके से सर्कुलर प्लाजो मैंने इसका बनवाया है, पूरा सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ एक चीज़ आपको करनी है, जब आप इसका प्लाजो बनवाएंगे सर्कुलर तो उसमें आपको नीचे कोई भी फैब्रिक या अस्तर ज़रूर ऐड करवाना है। मैंने अस्तर ऐड करवाया है, सी ये देखिए, ये देखिए इसका जो घेर है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो था इसका प्लाजो, और साड़ी में से ही मैंने एकदम सिंपल सी कुर्ती बनवाई है, उसमें भी मैंने कुछ नहीं ऐड करवाया है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ऐड नहीं करवाया है। ये सिंपल सी कुर्ती मैंने अपनी साड़ी में से इस तरीके से बनवा ली है।
बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं ऐड करवाया। इसमें भी नीचे मैंने अस्तर ऐड करवाए। जो पतली चीज़ें होती हैं जॉर्जेट, रियोन, शिफॉन, इनमें आपको कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करवाना पड़ता है, बिना ऐड के ये वर्क नहीं करती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं चलती हैं। तो इस तरीके से ये जॉर्जेट का मेरा कुर्ता भी बन गया है। मैंने इसमें लेस वगैरह इसलिए कुछ ऐड नहीं करवाया क्योंकि जो प्लेन चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं और सबसे अच्छा मौका होती है आपको ज्वेलरी पहनने देने का, क्योंकि जब आप हैवी जो इसके ऊपर ज्वेलरी पहनते हो ना तो वो इतना अच्छा लुक आपको प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन जब आप किसी प्लेन आउटफिट के ऊपर हैवी ज्वेलरी पहनते हो तो बिलीव मायने का है, आप किसी भी हीरोइन से कम नहीं दिखाई देते हैं। अब क्योंकि मैंने सर्कुलर प्लाजो बनवा लिया था, कुर्ती बनवा ली थी, तो मेरी साड़ी में से कोई कपड़ा नहीं बचा था। तो इस तरीके से मैंने ये दुपट्टा, मेरे पास पड़ा हुआ था रेड कलर का, तो मैंने इसी के ऊपर कॉम्बिनेशन करके इसको वेयर कर लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था ये। एक्चुअली साड़ीज़ का क्या होता है, साड़ी में ना पूरा एक आउटफिट तैयार नहीं कर सकते हो, या तो आप उसमें कुर्ती या प्लाजो बनवा सकते हो, या फिर आप उसमें दुपट्टा या कुर्ती बनवा सकते हो, या फिर आप उसमें दुपट्टा या प्लाजो बनवा सकते हो। तो कोई भी एक चीज़ तो आपको बाहर से यू नो परचेज करनी ही पड़ती है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ड्रेस। ये है मेरी अगली ड्रेस जो कि काफ़ी प्रिटी सी है, प्लेन है बट काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने सिंपल साड़ी में से बनवाया है, थोड़ा सा इस तरीके से लीव्स बनी हुई थी, ज़्यादा कुछ पैटर्न इसके ऊपर नहीं था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनवाया है। सबसे पहले मैंने अपनी साड़ी में से इस तरीके का फ्रिल तहंगा बनवाया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप इसे पिक्चर्स में देखिएगा। और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके से मेरी जो साड़ी थी वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी। तो इसके नीचे मैंने ना संतून का फैब्रिक ऐड करवाया है। आप चाहें तो जो फैब्रिक आपको अच्छा लगता है वो करवा सकते हो, लेकिन जो संतून का फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा शाइनी होता है, तो लहंगे में से जब वो हाईलाइट होके दिखेगा ना तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा और लुक भी काफ़ी अच्छा देता है। तो सजेशन ये होगा कि आप संतून का फैब्रिक ऐड करवाएं, काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी चीप भी होता है प्राइस में। इस तरीके से ये लहंगा बनवाया है मैंने। लहंगे में मैंने नीचे इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये फ्रिल ऐड करवाए हैं, इससे क्या हो जाएगा आपका लहंगा ना थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा और लेंथ भी लंबी हो जाएगी एंड वो देखने में और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। साड़ी में से लहंगा तो मैंने बनवा लिया है, थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ था तो उसका यूज करके मैंने इस तरीके से दुपट्टा बना लिया है, सेम वैसा ही है दुपट्टा, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और दुपट्टे में भी मैंने फ्रिल को ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि दुपट्टा थोड़ा सा ट्रेंडी भी लगेगा एंड सेम वही बात कि दुपट्टे की अगर लेंथ छोटी है तो फ्रिल की हेल्प से आपके दुपट्टे की जो लेंथ होती है ना वो भी बड़ी हो जाती है, तो अच्छा तो लगता ही है एंड प्लस ये बेनिफिट भी हो जाता है कि आपके दुपट्टे की लेंथ बड़ी हो गई है। ठीक इसी से कंट्रास्ट करते हुए पर्पल की डार्क शेड को मैंने पिक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से डिफरेंट दिखाई दो तो आप जिस कलर को ले रहे हो, जिसका आउटफिट बनवाने वाले हो ना, तो उसकी डार्क शेड को लो। जैसे कि मेरा ये लहंगा लाइट पर्पल कलर का था तो मैंने ना इसके साथ डार्क पर्पल की शेड को लिया है और इस तरीके से एक सिंपल सी चोली बनवाई है। मैं थोड़ा सा सिंपल ही पहनना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादातर सिंपल ही रखती हूँ, बट आपका ऑप्शन है आप लहंगे के ऊपर किस तरीके से हैवी चोली बनवाना चाहते हैं, जैसी भी आपको अच्छी लगती है वैसे बनवा सकते हो। मैंने इस तरीके से सिंपल सी चोली बनवाई है, मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रही हूँ, तो आप डार्क शेड्स ले सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं डार्क शेड्स। ये देखिए पीछे से कुछ नहीं है, बस मैंने नॉट स्टाइल बनवाया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है और आपको बहुत ही डिसेंट सा दिखाता है। हमारे जो भी आउटफिट्स होते हैं ना फ्रेंड, उसमें कलर कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि यार कलर कॉम्बिनेशंस को ना बहुत सोच के पिक किया कीजिए, क्योंकि आपके पूरे लुक को, पूरी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बेकार करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मैं फोटोज़ में आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट साड़ी। नेक्स्ट साड़ी से मैंने बनवाया है इस तरीके का ड्रेस। मेरी जो साड़ी थी वो पिकॉक ब्लू कलर की थी और स्क्रीन पे आप देख सकते हो शो हो रही है, और उसके नीचे काफ़ी सिंपल सा बॉर्डर था, लेकिन जो उसका पल्ला था ना वो प्रिंटेड था और मल्टी कलर का था और लीव से उसके अंदर कुछ डिज़ाइन बना हुआ था। तो इस साड़ी का लहंगा वगैरह तो यू नो मुझे ज़्यादा
नहीं अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसका एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को। तो इसका मैंने बनवाया है फुल लेंथ का अनारकली सूट। वो इसलिए बनवाया है क्योंकि जो अनारकली सूट होते हैं ना, फ्लोर टच के जो अनारकली सूट होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं और आप उनको दो तरीके से वेयर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसका बनवाया है, अपनी पूरी साड़ी का यूज़ करके मैंने ये लॉन्ग लेंथ का अनारकली सूट बनवाया है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेट्स डलवाई हैं, कट स्लीव बनवाया है, चॉइस आपकी है, फुल स्लीव या जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वो बनवा सकते हो। इस तरीके से बनवाया है। इसके बैक सेशन पे मैंने यहाँ पर चैन ऐड करवाया है। अगेन वही बात, जब आप चैन ऐड करवाते हो तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। मेरी साड़ी जो थी वो प्रिंटेड थी और पिकॉक ब्लू कलर की थी, तो मैंने इसके अंदर नीचे वही अस्तर ऐड करवाया है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक भी ऐड करवा सकते हो। और जो मेरी साड़ी का पल्लू का जो एरिया था ना, वो पूरा प्रिंटेड था, तो उसको मैंने कट करवा कर अपने इस सूट के पूरे नीचे बॉटम एरिया पर इस तरीके से ना ऐड करवा लिया, जिससे कि जो मेरा सूट था ना, एक तरीके से डिजाइनर लुक दे रहा है और काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सी, आप देख सकते हो पूरे में मैंने नीचे ऐड करवाया है। अगर आपका जो पल्लू का जो प्रिंटेड एरिया है वो थोड़ा पतला है, तो आप क्या कीजिएगा, आप दो बार करके उसको ऐड करवा सकते हो। जैसे मेरा ये जो बॉर्डर था काफी चौड़ा था, अगर आपका पतला है ना, तो आप एक नीचे ऐड करवाइए और एक आप ऊपर ऐड करवा सकते हो। दो लेयर आप अपने सूट में ऐड करवा सकते हो। सो इस तरीके से पूरे बॉटम एरिया पे आप देख सकते हो मैंने इसका जो ये बॉर्डर था बनवा दिया है। तो इससे पूरे जो सूट था उसका लुक काफी चेंज हो गया है और अब अच्छा भी लग रहा है ये। इसके नीचे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पहन सकते हो, क्योंकि मैटर नहीं करता, वो इतना दिखाई भी नहीं देता है। आप प्लाजो पहन सकते हो कोई भी मैचिंग का, या आप चाहो तो पैंट वियर कर सकते हो या स्कर्ट वियर कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वो वियर कर सकते हो। क्योंकि ये फुल लेंथ का है तो कुछ पता नहीं चलता कि आपने इसके नीचे क्या वियर किया हुआ है, तो मैटर ही नहीं करता। और कंट्रास्टिंग के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे कलर हैं, आप चाहें तो इसे इस तरीके के ड्रेस को एज अ गाउन भी वेयर कर सकते हैं, उसमें तो आपको दुपट्टे की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको एज अ सूट वेयर करना चाहते हैं ना, तो आप इस ड्रेस के साथ जो कि सबसे अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन हो आपके सूट के अंदर, आप उसे पिक कर सकते हो। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी आगे देखेंगे, मैंने काफ़ी अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं। सो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स। दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करके पूछ सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स के साथ, कुछ नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।